गाइस कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। क्या भी आप भी काइन मास्टर ऐप इस्तेमाल करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, तो ऐसे में इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ पे हमें काइन मास्टर की तरफ से न्यू अपडेट मिल चुका है और मिल चुके हैं ढेरों सारे न्यू फीचर जिसको कि इस्तेमाल करके हम अपनी वीडियो को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप टिकटॉक की वीडियो एडिट करते हैं काइन मास्टर से, चाहे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, चाहे नेवा से वीडियो कोई भी वीडियो एडिट करते हैं काइन मास्टर से, तो यहाँ पर गाइस ढेरों सारे हमें न्यू फीचर काइन मास्टर की तरफ से मिल चुके हैं। यहाँ पे गाइस हम काइन मास्टर से अपनी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, इसके साथ ही अपने वॉइस में कई तरह की जो है चेंजिंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही गाइस हमें टेक्स्ट के ऊपर कई सारे इफेक्ट नए काइन मास्टर के अंदर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे कि क्या है नया फीचर, क्या अपडेट है और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को एक स्पेशल लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी सी वीडियो। न्यू वर्जन में काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काइन मास्टर ऐप का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे गाइस काइन मास्टर ऐप को अपने प्ले स्टोर से अपडेट करने के बाद कर लीजिएगा ओपन। फिलहाल मैं इसको अपडेट कर चुका हूँ और यहाँ पे गाइस इसके इंटरफेस में कोई खास चेंजिंग हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो सेटिंग के अंदर जाके इसका जो वर्जन है उसको चेक करा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.12 के वर्जन में फिलहाल काइन मास्टर अपडेट हो चुका है, और आप भी 4.12 वाले वर्जन में ही इसको इंस्टॉल कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूं मैं आपको। तो यहां पे गाइस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके साइज सेलेक्ट कीजिएगा और मीडिया से आप कोई भी वीडियो इनपुट कर लीजिएगा। तो यहां पे गाइस मैं एक फिलहाल छोटी सी वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूं। तो यहां पे वीडियो हो चुकी है भैया इनपुट, और यहां पे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे तो भैया यहां पे हमें ऊपर ही रिवर्स करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया गया है। तो यहां पे गाइस अगर आप किसी भी वीडियो को एडिट करते हैं वहां पे अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी भी वीडियो को रिवर्स करने की, तो आपको यहां पे कोई एक्स्ट्रा ऐप अपने फोन में रखने की जरूरत नहीं है, आप काइन मास्टर से किसी भी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे जो मेन चीज है भैया, यहाँ पे एक हमें ईक्यू का ऑप्शन मिल रहा है जो कि पहले नहीं था। अगर आप किसी सॉन्ग को एडिट करके उसको बेस बूस्टर बना के या उसका जो आवाज़ थोड़ा चेंजिंग वगैरह करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो आपको भैया म्यूजिक एडिट करने के लिए आपके फ़ोन में कोई एक्स्ट्रा ऐप नहीं रखना पड़ेगा, आप काइन मास्टर से ही वो काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मल आवाज़ सुन के देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमें इफेक्ट लगाने के लिए देख रहे हैं उसको भी मैं प्ले करके आपको सुनाऊँगा। तो गाइस जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पे हिप हॉप बेस रिडक्शन जस्ट न्यूट्रल पॉप यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप म्यूजिक एडिट करने के लिए नहीं चाहिए, आप काइन मास्टर से ये काम कर सकेंगे। और इसके बाद ही गाइस यहाँ पे जो हमें अगला अपडेट है इसका क्या कहना भैया, बिल्कुल लाजवाब अपडेट अभी दे चुका है हमें काइन मास्टर ने। यहाँ पे आपको भैया एक रिवर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे भैया ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। क्या अपडेट है और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो को एक स्पेशल लाइक जरूर कर दीजिए। क्या अपडेट है और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो को एक स्पेशल लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या अपडेट है और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो को एक स्पेशल लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी सी वीडियो। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं क्या लाजवाब वॉइस है यहाँ पे भैया, वॉइस को आप किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे हमें जो चीज़ें पुरानी थी वही है, और जो अपडेट दिया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ही गाइस यहाँ पे हमें टेक्स्ट में भी बहुत सारे न्यू इफेक्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लगा लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम भर चुका हूँ। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम चीज़ें, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे गाइस हमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट ऑप्शन का एक ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके और यहां से आप इसके नीचे भैया कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही गाइस यहां पे हमें आउटलाइन का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर इसको हम इनेबल करते हैं तो यहां पे आपका एक आउटलाइन निकल जाएगा। यहां से आप क्लिक करके इसका जो कलर वगैरह है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही गाइस यहां पे हमें
शॉट डाउन का भी ऑप्शन दिया गया, यहाँ से इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया आप अपना वीडियो में टेक्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दिया गया है जो कि पहले था, बट भी अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा फुल जो है बैकग्राउंड हो जा रहा है। और यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि पहले था, बट इतना जो है गहरा रंग नहीं चढ़ता था। अभी आप देखेंगे तो आपको भी यार पहले से और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ऑप्शन मिलते थे, सेंड टू बैक, डुप्लीकेट या फ्रंट पे करने के लिए। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो इसको सेंटर में करने के लिए भी हमें एक ऑप्शन मिल चुका है, जिससे कि हमें भैया इसको ज़्यादा खींचखाच नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ही सेंटर में आके सेट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, चाहे कोई भी इमेज वगैरह हो, कोई भी वीडियो हो। हमें पहले जैसे कि परेशानी होती थी इतना बड़ा करके इसको सेंटर में कैसे सेटिंग करें, तो ऑटोमेटिक अभी हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इसको सेंटर में ही प्रॉपरली सेटिंग करके देगा हमें काइन मास्टर। तो ये थे भैया कुछ चेंजिंग, कुछ न्यू अपडेट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई पसंद तो कर दीजिए लाइक, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।